आज का ये दिन आज की युवा पीढ़ी को केवल श्री अमिताभ बच्चन के जन्म दिवस के रूप में ही याद है, परंतु आज ही के दिन एक महान हस्ती श्री नानाजी देशमुख का भी जन्म हुआ था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। TNI की ओर से श्री अशोक दुबे जी ने उनसे कुछ बातचीत करी। लगभग 16 साल पहले व्यक्त किए गए उनके द्वारा उनके विचार आज और भी ज़्यादा प्रासंगिक हैं। श्री नानाजी देशमुख अब इस दुनिया में नहीं रहे, परंतु उनके विचार सदैव जीवित रहेंगे। पेश है उनसे बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। ये है नानाजी के साक्षात्कार का भाग एक। भगवान श्री राम के बारे में नानाजी क्या सोचते थे, आइए सुनते हैं उन्हीं के मुख से। राम जो है ये तो राजा दशरथ के पुत्र थे, किंतु राम ने अपने जीवन में कैसा पुत्र होना चाहिए आदर्श, कैसा बंधु होना चाहिए आदर्श, कैसा पति होना चाहिए आदर्श, कैसा पड़ोसी होना चाहिए आदर्श, कैसा सामाजिक व्यक्तित्व होना चाहिए आदर्श, कैसा राजा होना चाहिए आदर्श, कैसा योद्धा होना चाहिए आदर्श, कैसा करुणामय व्यक्तित्व होना चाहिए आदर्श, कैसे सर्वसाधारण गरीब से गरीब, तुच्छ से तुच्छ, अपड़ से अपड़ और दरिद्रतम व्यक्ति भी अपना है यह आत्मवस सब दृष्टि से व्यक्ति या पुरुष या मानव अपना जीवन कैसे बितावे हर परिस्थिति में, इसका नमूना राम ने प्रकट किया है। यह नमूना प्रकट करने में राम ने किसी मजहब का आधार नहीं लिया, किसी पूजा विधि का आधार नहीं लिया, किसी प्रकार की समाधि का आधार नहीं लिया, किसी एक विशिष्ट कल्चर का आधार नहीं लिया, किसी एक विशिष्ट देश या क्षेत्र का आधार नहीं लिया। वास्तविक विश्व मानव मात्र के लिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम सिद्ध हुए। ऐसा व्यक्तित्व जो हर मानव के लिए, चाहे जिस देश में रहता हो, चाहे जिस मजहब को मानता हो, चाहे जिस कल्चर में पला हो, वो फिर राजा हो या मामूली से मामूली नागरिक हो, सबके जीवन के लिए अनुकरणीय नमूना राम के जीवन से प्रस्तुत हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा, अपना देश महासंकट में ही। संकट में क्यों है कि चाहे जो आज राजा बनना चाह रहा है डेमोक्रेसी का नाम लेकर, उसे काम करते नहीं आता। आज कोई मिनिस्टर बनता है, इंडस्ट्री मिनिस्टर बना, क्या उसने कभी अपने जीवन में इंडस्ट्री देखी भी है? क्या कभी उसने अपने जीवन में इंडस्ट्री खड़ी भी की है? क्या किसी ने विभिन्न इंडस्ट्रियों में जाकर इंडस्ट्रियल रिलेशंस का अनुभव किया है? और वो नीति निर्धारण कर रहा है, ये इससे सरकार नहीं चलती। किंतु लालच है कि नहीं मैं मिनिस्टर बनूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं। अभी हमारे 3 नए राज्य निर्माण हुए, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, उत्तरांचल हुआ। मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ाई चल रही है। अरे भाई, ये राज्य यदि जन कल्याण के लिए बने तो जन कल्याण की योजना तुम्हारी क्या है, ये सामने नहीं आ रहा है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन कौन मंत्री बनेंगे, इसके झगड़े सब जगह चल रहे हैं। तो सत्ता का मोह तो सबको है, लेकिन सत्ता चलाने की क्षमता किसी में भी नहीं है। ऐसे समय राम के जैसा आदर्श, खासकर चित्रकूट, कई कई कहती है कि राम तेरे पिता बेहोश हो रहे हैं, मैंने अपने वर मांगे जिसमें कि तुमको 14 साल वनवास भेजा जाए और भरत को राज्य दिया।
राम ने कहा, माँ कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ वनवास, और बहुत अच्छा कि मेरा भैया भरत राजा बने, इससे मेरे लिए अधिक खुशी क्या होगी। और राम निकल पड़ते हैं वन में। भरत आता है, माँ को कहता, तुमने ये क्या किया, मेरे बड़े भैया जिनको राजा बनना चाहिए उनको तूने वनवास किया, मुझे नहीं चाहिए राज्य, मैं जा रहा हूँ प्रभु राम को लाने के लिए। वो चित्रकूट चले आते हैं राम को वापिस बुलाने। राम कहता, नहीं भैया 14 साल मैं आऊँगा और 14 साल के बाद आऊँगा, अब तो वनवास में बड़ा भारी काम है, ये काम के बिना तो कोई ठीक नहीं है, और कोई नहीं करेगा, मैं करूँगा, तुम जाओ। तो भरत कहता, मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूँगा, तेरी पादुका दे दे उनको रखूँगा, और मैं एक सेवक के नाते है और तुम्हारा आदेश है उसका पालन करूँगा। आज यह चीज़ लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है, और इसीलिए हमने चित्रकूट में राम दर्शन की प्रस्थापना की। तो आज वास्तविक मैं तो कहता हूँ किसी भी काल में राम ये प्रासंगिक है, रेलेवेंस है। तो वो जो रेलेवेंट जीवन है राम का, उसको स्थायी रूप से लोगों के सामने लाने के लिए हमने यहाँ राम दर्शन भी प्रस्थापित किया है। आपको देखकर उसकी खुशी होगी किस ढंग से हमने किया है। आज़ादी से देश को क्या मिला, आज़ादी के बाद हम किस दिशा में जा रहे हैं, देश को चलाने वाला कैसा हो, आइए जानते हैं नाना जी के विचार इस पर। नहीं देखिए, सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हुई, 1947 के पहले आप देखेंगे किसी को किसी चीज़ की लालच नहीं थी, देश के लिए सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार थे। गांधी ने कहा कि भाई अब तुम कांग्रेस को सत्ता के साथ मत जोड़ो, कांग्रेस को एक लोक सेवक संघ बना दो, सत्ता के लिए तुम अलग पार्टी बनाओ। लेकिन वहीं गांधी जी का और देश के राजनेताओं का मतभेद शुरू हुआ, और उन्होंने सत्ता को ही सर्वस्व बनाया। आज मुझे बताइए कि देश का जो युवक है या युवती है, उसके सामने देश और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा कहीं मिलती नहीं। भले बड़े बड़े सेंटर्स लोग चला रहे हो, आज देश और समाज ये किसके जीवन में है, ये किसके जीवन में नहीं। इसलिए 47 के बाद वास्तविक लगभग 1000 तक गुलाम रहे देश के नागरिकों में, एक गुलामी की जो प्रवृत्ति आई कि सरकार पर निर्भर रहना, आज़ादी के बाद तो हरेक को चाहिए था निर्भरता नहीं, हम स्वावलंबन स्वाभिमान के साथ जिएंगे, ये स्वावलंबन की बात रही नहीं, इसलिए करोड़ों बेकार हो रहे हैं। सारा दिशा दर्शन ही गलत हो गया। देश का चलाने वाला मोह मुक्त होना चाहिए। राजसत्ता ये उपभोग की वस्तु नहीं है, राजसत्ता वास्तविक जन कल्याण के लिए अपना सर्वस्व होम करने की। आज सुखराम के घर में 3 करोड़ रुपया मिल रहा है, आज इन लोगों के बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं। वास्तविक राज्य ये उपभोग का साधन नहीं है, ये जन सेवा का माध्यम है, ये हम भूल बैठे। आज तो हरेक नेता ज़्यादा से ज़्यादा रुपया इकट्ठा करके कैसा रखूं? आपको पता है कि बीजू पटनायक ने कहा था, 5 करोड़ रुपया होगा तो प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। यानी आज आपके देश के अंदर क्या चल रहा है, कौन बनेगा करोड़पति? अब लोगों के सामने लक्ष्य दो ही है कि पैसा कैसे ज़्यादा ज़्यादा मिले या सत्ता कैसी मिले। आज क्यों मुझे बताइए कि सरकारें
डकैती को भी रोक नहीं पा रही, वीरप्पन के सामने नतमस्तक होने के लिए तमिलनाडु की और कर्नाटक की सरकार तैयार होती है। यदि मैं आपको बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख नहीं अपनाया होता तो डकैते के सामने सारा राज्य झुक जाए तो राज्य है क्या, ये सत्ताधीश है क्या? आज मुझे बताइए कि हमारा स्वराज्य है और विदेशी लोग आकर के हमारे देश के अंदर आतंकवाद फैला रहे हैं और उस आतंकवाद को घटाने की दृष्टि से हम सफल नहीं हो पा रहे। ये कहते पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है, कोई आकर के हमारे घर में गड़बड़ करे? तो ये सारी चीजें आज की नहीं है, ये सत्ता का जो मोह है वह कर्तव्य से व्यक्ति को च्युत करता है, गिराता है और इसके कारण सत्ता का मोह है। कुछ भी कह दो ये करोगे नहीं तो हम छोड़ देंगे सरकार। अच्छा भैया तेरा मान, यानी क्या चाहिए देश को, क्या चाहिए समाज को, इसकी महत्ता नहीं है। सरकार कैसी टिकाए रखूं इसकी महत्ता है, तो कैसे चलेगा? देखिए ये इंडिकेट और सिंडिकेट का सवाल नहीं, सवाल है सत्ता पाने के लिए जो रचना करनी है उसका नाम है सिंडिकेट और उसका नाम है इंडिकेट। सत्ता लोभ के ये सारे प्रकार है, चाहे इंडिकेट हो चाहे सिंडिकेट हो। नहीं, प्रसन्नता वो चीज है जिसे देखकर या जिसे सुनकर या जिसे अनुभव कर आंतरिक समाधान हो, जिससे हमारे चित्त को चालना मिलती है, सुखद, वही प्रसन्नता है। मन क्या है, सत्य क्या है, इस पर भी उन्होंने विशेष प्रकाश डाला। सत्य जो है, सत्य वास्तविक जैसी घटना है वैसी ही घटना को एक्सप्रेस करना बिना किसी संकोच के या बिना किसी डर के, वही सत्य है। आदमी कई बार संकोचवश शब्दांकित नहीं करता, अभिव्यक्ति नहीं करता, कभी डर के वश नहीं करता, कभी नीति के वश नहीं करता, वो सत्य नहीं है। न डर हो न संकोच हो न किसी प्रकार की हिचक हो और जो है वो स्पष्ट रीति से कहना, वैसे एक सत्य की डेफिनेशन है। हमारे पुराने काल में सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्यादि पीतम वदेत यत भूत हितम अत्यंतम एतत् सत्यम मतम मम। यह भी एक सत्य के बारे में कहा गया है, जो सर्व के सबके लिए सुखद हो ऐसी चीज के अभिव्यक्ति को भी सत्य कहा गया है।